हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, काफ़ी चैनल्स जो हैं ट्विन फ्लेम और अवेकनिंग से जुड़े हुए खुल चुके हैं और उनमें हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जिनको ये लगता है कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं। बट जैसा कि कहा जाता है, आपको पता है कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ही प्योर डिवाइन होने के कारण अभी इस अर्थ पे कम ही हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम्स की पॉपुलेशन उतनी है ही नहीं इस अर्थ पे, अभी रेयर है। तो फिर ये जो हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हैं चैनल्स से, उनको ये इल्यूजन क्यों हुआ है, उनको ये ट्विन फ्लेम का इल्यूजन क्यों हुआ है? पहला तो जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कुछ वक्त तक अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से डील करके ऑब्जेशन को पार करते हुए एसेंशन पर फोकस कर ही लेते हैं। फिर वो ये रिलेशनशिप्स घर घर वाली आइडियोलॉजी से बाहर आ ही जाते हैं, थक जाते हैं जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। स्टार्टिंग में वो अपने जो भी उनके लेयर्स होती हैं, नेगेटिविटी होती है, फियर के इश्यूज होते हैं, फियर बेस्ड हो, एंगर बेस्ड हो, ऑब्सेशन हो, तो उन सबको हील करते 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 उनका ध्यान, उनकी जो प्रायोरिटी जो होता है वो एसेंशन बन जाता है, आत्मिक प्रगति जिसको बोलते हैं। फिर बाद में वो ये रिलेशनशिप्स घर घर वाली जो थिंकिंग होती है उसे बाहर आ जाते हैं, फ्रिक आउट हो जाते हैं, मतलब मटेरियल वर्ल्ड से इतना चिपके नहीं होते हैं। फिर दूसरी ओर ऐसे लोग जिनको इल्यूजन हुआ है कि वो इस जर्नी में हैं, तो अब जो ट्विन फ्लेम टर्म इतना ट्रेंडिंग बन गया है और जिस तरह से बहुत सी मिस इंफॉर्मेशन और ड्रामेटाइज किया गया है इस टर्म को, इस कंसेप्ट को, कि लोगों को लगता है कि ये कुछ डिफरेंट जर्नी है, यूनिक जर्नी है। जैसे उनको पता चलता है अरे ये ट्विन फ्लेम जैसा कुछ कंसेप्ट है कि एक ही सोल है, दो बॉडीज में होती है, तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऐसे सब कुछ सुन के, तो वो खुद को उससे जोड़ लेते हैं। तो उनको बहुत कुछ डिफरेंट लगती है जर्नी, उनको लगता है कि जहाँ आउट ऑफ द वर्ल्ड रोमांस होता है, यानी कि 3D का रोमांस अलग है, पर ये जो है आउट ऑफ द वर्ल्ड एक अलग ही आयाम का रोमांस होता है, तो इसका कुछ अलग ही मज़ा है। तो इल्यूजन यही होता है कि हर कोई ये मान रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ वो हैं वो ट्विन फ्लेम ही होगा उनका, पर उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि इस जर्नी में इमेंस ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि मकसद सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है इस जर्नी का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति का तो ऑब्जेशन रहता ही है, साथ ही इस ट्विन फ्लेम टर्म का भी ऑब्सेशन हो चुका है लोगों में, मतलब जिस पर्सन के साथ वो होते हैं रिलेशनशिप में, उसका, उस व्यक्ति का तो ऑब्सेशन है, उसको तो लेके डिज़ायर है ही है। पर अब ये जो नया नया सुनते हैं ट्विन फ्लेम कंसेप्ट का, तो इस टर्म से भी उनको ऑब्सेशन हो जाता है, तभी वो ज़बरदस्ती खुद को इस कंसेप्ट से, ट्विन फ्लेम टर्म से बांध रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको इस जर्नी का पार्ट बनना है। हालांकि इनर वर्क में वो 1% का भी एफर्ट नहीं लगा रहे, वीडियो सुनते हैं, कई वीडियो सुनते होंगे, पर जो इनर वर्क चाहिए और उनको कुछ क्ल्यू होता ही नहीं है कि इनर वर्क किस तरह का, बिल्कुल डीप, और अगर एफर्ट लगा भी रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका ध्यान रिजल्ट पर भी बना रहता है। तो जो बहुत अच्छा हुआ है इस कंसेप्ट के ट्रेंडिंग से, कि जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं वो भी पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहे हैं इस एनर्जी से और कोशिश कर रहे हैं अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने में। हालांकि वो ट्रू ट्विन फ्लेम्स की तरह उतना डीप और इतना हाई लेवल का स्पिरिचुअल इनर वर्क
पूरा आंतरिक रूप से मतलब खुद को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, बारीकी से खुद के फ्लॉज को परखना, देखना, उस तरह का इनर वर्क इनसे नहीं होता है, पर ठीक है कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो वो अपनी अवेयरनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं। बस होता ये है कि ये अपनी सेल्फ प्रोग्रेस की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं जैसे ही उनको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होता है जिसे हम अपने ट्रू पार्टनर को पा सकते हैं, पर उतना बड़ा मिशन वर्क ये नहीं कर पाते हैं। गलत बस एक ही बात है कि इस टर्म का, कि आप किसी गलत पर्सन को ही ज़बरदस्ती का ट्विन फ्लेम ना मानने लग जाए। कोई बात नहीं, जो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं उनको पता चल रहा है कि अर्थ की टाइमलाइन चेंज हो रही है और बहुत सारा इनर वर्क है जो कि रिक्वायर्ड है अभी सोसाइटी में, करना ज़रूरी है, सबको करना ज़रूरी है, चाहे वो उनका कोई मतलब कहते ना अदर हाफ हो नहीं हो, उनका काउंटर पार्ट हो नहीं हो, पर मकसद सिर्फ ये है, उनको समझना सिर्फ ये है कि ज़बरदस्ती का किसी को भी ट्विन फ्लेम नहीं मानना है, क्योंकि वो मिलता वैसे ही नहीं है और आप डिसअपॉइंट और हो जाएंगे। तो ये सही कहा गया है कि ट्रू ट्विन फ्लेम्स रेयर ही हैं जो ट्रू स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बिकॉज उनको घर घर खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है जब उनका बहुत असेंशन हो जाता है एंड उनका कमिटमेंट सिर्फ डिवाइन को रहता है एट एंड एट लास्ट, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो करप्ट सोसाइटल पैटर्न्स को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि जिस पर्सन के आप साथ आप डील कर रहे होते हो, जिसके लिए इतना इनर वर्क कर रहे होते हो, पर वो पर्सन आपके इतना इनर वर्क करने पर भी वो पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो डिवाइन पार्टनर नहीं है आपका। यानी वो पर्सन जो करप्ट सोसाइटी के जो पैटर्न्स हैं, बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती खुद को इस टर्म से, ट्विन फ्लेम टर्म से, कंसेप्ट से बांधिए भी मत, और किसी को भी ज़बरदस्ती अपना ट्विन फ्लेम मत मानिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।